शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे मंगलवार को अचानक शहर के चितारोली का मुआयना करने पहुंचे। वहां के नियमों का उल्लंघन करने वाले मूर्तिकारों को चेताया और जुर्माना भी लगवाया है। आयुक्त तुकाराम मुंडे अपने अनुशासन और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। इसका अनुभव मंगलवार को शहर के चितारोली के मूर्तिकारों को हुआ। मंगलवार की शाम आयुक्त ने शहर में अचानक दौरा किया और नियमों का उल्लंघन करने वालों को खड़े बोल सुनाए। ऐसा ही कुछ चितारोली के मूर्तिकारों के साथ हुआ। अचानक आयुक्त की गाड़ी रुकी और एक ही सन्नाटा परिसर में फैल गया। मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकारों ने बनाए शेर को देख मुंडे का दबंग अवतार देखने को मिला। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को खड़े बोल तो आयुक्त ने सुनाई, साथ ही जुर्माना भी लगवाया। उल्लंघन करने वाले सभी लोगों को मनपा द्वारा 5,000 रुपयों का जुर्माना ठोका है। इस कार्रवाई से आहत होकर कुछ लोगों ने हमारी टीम से बात की है। आता अपने समझ मुंडे साहब अचानक आने की सरोजी फोड़ फाड़ा घेन आज मैं प्रसिद्ध मूर्तिकार के आज 40 वर्षापासन काम करता है और ये मजे पोड़ पोट पाने मजा प्रपंच पूर्ण यहाँ धंदा भरोसा है अस कभी न पाता 40 वर्षा मे आज तुकाराम मुंडे साहबानी एक धमकी धरकर माणसाला उचलून फेंका धमकी दी है और आता जो उद्या उचल नहीं तो उद्या बुलडोजर फेंकना अभी धमकी माना लगे त्या गोष्टीला मला मिळाली आहे अशी धमकी जर मी स्वीकारतो मी माझ्या मूर्त्या जर उठून हा मंडप फेकल्या गेल्या कारण हा माझ्या पोट पाण्या प्रश्न आहे माझ्या पोटावर कधी भी अत्याचार झाला तर आताच अत्याचार झाला त्यासाठी मी कधी भी आत्मदहन करायसाठी तयार त्याचा दुसरा उपाय माझा नाही। हो आमच्या इकडे आले ते त्यांनी आम्हाला असं म्हटलं की हे सगळे शेड तुम्ही काढा आणि त्यांनी आम्हाला 5,000 रुपये फाईन दिले। आमच्याकडे अजूनपर्यंत ऑर्डर नाही आहे काही नाही, आम्ही फाईन कशी भरणार आहे तुम्ही सांगा। आणि त्याच्या आणि हे सगळं शेड काढून आम्ही कामं कुठे करा, जर पाणी आलं तर आमच्या सगळ्या मूर्त्या ओलावील। आणि त्यांनी हे सुद्धा म्हटलं की हे सगळ्या मूर्त्या ज्या आहे ह्या सगळ्या मूर्त्या तुम्ही जर शेड नाही काढून तर आम्ही सगळ्या मूर्त्या तोडताड करून ठेवू बा म्हणून। आणि आम्हाला बोलायला सुद्धा त्यांनी चान्स दिला नाही की बा तुम्ही काही शब्द बोला किंवा आले लगेच आले आमच्या हातात फाईन दिली आणि चालले पण गेले। आम्ही इतके पैसे कुठून भरणार आहे 5,000 रुपये। कॅमेरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट इन बीसीएन न्यूज नागपूर।